शहर के डिग्गी मोहल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रा की छुट्टी होने के बाद अपने घर जाने के दौरान भगत चौराहे पर अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान छात्रा को चक्कर आने से वह बेहोश होकर रास्ते पर गिर गई। अचानक छात्रा की तबीयत बिगड़ने के कारण साथी छात्राएं घबरा गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक वैन कार चालक ने घटना को भांपते हुए बेहोश छात्रा तथा अन्य छात्राओं को वैन में बैठाकर तुरंत राजकीय अमृतपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने उसे उपचार के लिए भर्ती कर लिया। इस दौरान छात्राओं ने घटना की जानकारी परिजनों को और विद्यालय के अध्यापकों को दी। सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और छात्रा की तबीयत जानी। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के झुंझारों का बाड़िया निवासी चक्रु काठा की 16 वर्षीय पुत्री सखीना ब्यावर के चंपानगर में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी मोहल्ला की कक्षा 10 में अध्ययन करती है। बुधवार को सखीना अपने अन्य साथी छात्राओं के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए आई थी। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद वह अपने साथी छात्राओं के साथ वापस घर लौट रही थी। इस दौरान जब वह भगत चौराहे पर पहुंची तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आ गए। इस दौरान सकीना बेहोश होकर नीचे गिर गई। यह देखकर उसके साथी की अन्य छात्राएं घबरा गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक वैन चालक ने स्थिति को देखते हुए सकीना तथा उसकी अन्य साथी छात्राओं को वैन में लेकर राजकीय अमृतपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने सकीना को उपचार के लिए भर्ती कर लिया। इस दौरान साथी छात्राओं की सूचना के बाद सखीना के परिजन और विद्यालय के अध्यापिका भी राजकीय अमृतपुर अस्पताल पहुंचे तथा सखीना की कुशल क्षेम जानी।